दरभंगा जिले के नरकटिया गांव के मुसहरी टोला में स्थित अभिलाषा बाल विकास शिक्षण केंद्र पर 21 सितंबर मंगलवार को लगभग 50 से 60 अभावग्रस्त बच्चों के बीच निशुल्क पुस्तक वितरण किया गया, जिसमें यहां के ग्रामीण और कुछ गणमान्य लोग मौजूद रहे और इसकी सराहना की। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि इसका संचालन नव युवक समाज सेवा संस्थान के संस्थापक मनोज यादव के द्वारा किया जा रहा है। इन अभावग्रस्त बच्चों के लिए मनोज यादव एक मसीहा बनकर इनकी जिंदगी में आए हैं। 10 महीने पहले जब मनोज अपनी टीम के साथ इस इलाके में आए थे तो इस मोहल्ले के तमाम छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई न कर बकरी चराते, तरह तरह के नशा करते, जुआ खेलते, सिलाई व चाय पान की दुकान पर काम करते नजर आते थे। मनोज को इस बात का बहुत मलाल था कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने इन बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया और इनके माता पिता से मिलकर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब कुछ अभिभावक गरीबी की दुहाई देने लगे तो मनोज ने निशुल्क पढ़ाने के साथ साथ कॉपी किताब देने की भी जिम्मेदारी ले ली। उस दिन से लेकर आज तक मनोज समाज के गरीब अभावग्रस्त नैनी हालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। मनोज के एक छोटे से प्रयास से आज सैकड़ों गरीब अभावग्रस्त नैनी हालों का भविष्य संवर रहा है। इन गरीब छात्राओं को शिक्षा देने के साथ साथ ये दृष्टि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर चंदा इकट्ठा करके समय समय पर इन बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, स्कूल बैग और कॉपी किताब भी मुहैया कराते हैं। गरीब छात्रों का सवार रहे भविष्य, समाज के प्रति इनका सेवा भावना को देखकर हर समाज चिंतक आज सोचने को विवश हो जाता है। वर्तमान समय में आज सैकड़ों गरीब छात्रों का भविष्य मनोज संवार रहे हैं। मनोज कहते हैं कि आज अधिकांश प्राइवेट शिक्षण संस्थान सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अभिभावकों से सिर्फ फीस के नाम पर मोटी रकम लेने के बाद भी उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जिससे इन नैनी हालों की आधार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरे इस काम से आज तक किसी सामाजिक या सरकारी संस्थान ने कोई मदद नहीं की। हम अपने ट्रस्ट सेव के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके इन बच्चों के लिए कॉपी किताब मुहैया कराते हैं। दीनानाथ राम, बिरजू राम, नीतीश भारती, राम बाबू आदि लोग मौजूद रहे। पढ़ती है, यहाँ का सरकारी स्कूल का कोई सही व्यवस्था नहीं है। जब से ये स्कूल चालू हुआ है इन लोगों का, अच्छा बच्चा हमारा पढ़ रहा है टाइमली, और टाइम से आना जाना, शिक्षा भी अच्छी है और माहौल भी अच्छा है इन लोगों का। सरकारी स्कूल का यहाँ कोई सही व्यवस्था नहीं है। यहाँ का मास्टर भी सही नहीं है, हेड मास्टर है वो, क्या नाम है ये विजय सर, वो भी जो है से नहीं आते हैं कभी, आते भी हैं तो बच्चा लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाता। अच्छा, क्या लगता है आपको जो ये अभिलाषा बाल विकास शिक्षण केंद्र जो है, इस अगर इन लोगों को जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं और भी पब्लिक जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, ये लोग अपने तरफ से बुक वितरण कर रहे हैं, अगर लोकल जनप्रतिनिधि गांव-गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इन लोगों को अगर मदद करे तो क्या ये लोग बच्चे को और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएंगे शिक्षा के प्रति? हाँ, बहुत अच्छा जागरूक कर पाएंगे। और हमारा ये है कि सरकार भी इस पर ध्यान दें कि ये संस्था बहुत अच्छा चला रहे हैं, अभी सरकार को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। जी सर, इस संस्थान का नाम नवयुवक समाज सेवा संस्थान है, जो उसके द्वारा बाल शिक्षण केंद्र जो चल रहा है, तो जो बच्चे हमारा जो पढ़ने में अच्छा, बहुत ही अच्छा निकला है, तो उसको हम लोग 6th क्लास का बुक वितरण कर रहे हैं। जो उसका माँ बाप किताब नहीं खरीद दे पा रहे, तो हम किसी को टीचर से, किसी पब्लिक से डोनेट ले करके इस बच्चे को हम लोग सहयोग अपनी तरफ से करवा रहे हैं। ये तो अभिलाषा बाल विकास शिक्षण केंद्र आपने एक संस्था खोला, आपको क्या मतलब ऐसा लगा कि नहीं बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है, आप इस तरह की समाज सेवा में उतर के आए? सर, हम लोग जगह जगह जाते हैं अध्यात्म कार्य करने के लिए, हम लोग जगह जगह जाते हैं तो देखते हैं बहुत ऐसा जगह है जो बच्चे दूरों दूरों तक स्कूल से कोई रिश्ता नहीं है उसको, तो हम लोगों को लगा नहीं कुछ समय अपना निकाल करके, जीवन में तो हम लोग अपने लिए बहुत सारे काम करते ही हैं, अपने लिए जीते ही हैं, लेकिन कुछ समाज में ऐसे बिछड़े लोग हैं जो बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है, उसको पढ़ाई के प्रति कोई मतलब वो नहीं है, तो हम लोग कुछ समय निकाल करके उसके लिए दे रहे हैं। आपको किसी मतलब किसी का सहयोग, जैसे कि कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई, मतलब किस तरह से आप इन लोगों के बीच में बुक बांटते हैं?
जिन्हें अभी तक तो कोई गवर्नमेंट से हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिला, ना कोई जनप्रतिनिधि से मिला है। अभी हम लोग पब्लिक, कुछ ऐसा पब्लिक है जिससे हम लोग मिले जुले, तो वो लोग कहें कि नहीं अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप आगे बढ़िए, हम आपको सहयोग करेंगे। अच्छा, उन लोगों का पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक के सपोर्ट कुछ हमारा युवा है, युवा लोग हमारे साथ में रह करके वो साथ देते हैं, वो भी सदस्य शुल्क 100 रुपया 50 रुपया दिन को जो होता है। अच्छा सदस्य, आप इस संस्था के क्या हैं, आप अभिलाषा बाल विकास शिक्षण केंद्र के संस्थापक आप ही हैं क्या? जी, मैं हूँ मनोज कुमार यादव। आप एक समाज में, आप एक समाज में डॉक्टर हैं और आप इस संस्थान में इन लोगों के साथ जुड़े हैं, ऐसा क्या लगा आपको कि बिहार में अभी भी शिक्षा का अभाव है, गरीब तबके के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस पर जरा बताइए। बहुत अभाव है, बच्चे लोग गांव में स्कूल होते हुए भी स्कूल नहीं जा पाते, इसका मुख्य कारण है क्या, किसी का कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग गांव में समाज में जा करके टोला मोहल्ला में जा करके बच्चे को जागरूक करना हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को कम से कम पढ़े लिखे, प्रणाम पता किसी से कोई पता पूछे, दूसरे से क्या क्या पढ़ रहा लिखा नहीं करता, इसलिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। यही नवयुवक समाज सेवा संस्थान के ओर से अभिलाषा बाल विकास शिक्षण केंद्र का एक ही उद्देश्य, बच्चों को शिक्षित करना। हम लोग को नवयुवक संघ फ्री में 50 रुपया 100 रुपया शुल्क लगा करके बच्चों को किताब कापी फ्री में देते हैं और गार्जियन का सपोर्ट मिलता है, किसी मुखिया सरपंच का अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन अगर क्या लगता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, अगर जिस तरह से पब्लिक आप लोगों को सहयोग कर रही है, अगर कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों को सपोर्ट करे, तो क्या और बच्चे को आप अच्छे से अच्छे ढंग से और शिक्षा दे सकते हैं बच्चों के बीच में? जी, और अच्छे से अच्छे विकास हम करा देंगे बच्चे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।